दरअसल ये जो इमेज बना है कि राहुल गांधी भारी पड़ गए हैं मोदी पर, और चर्चा जन चर्चा एक तरह से शुरू हो गई कि पांचवें दौर के बाद कि ऐसा लगता है कि मोदी जी वापस नहीं आ रहे, वो 400 पार की बात कर रहे हैं वो लोग, लेकिन वो अब सत्ता में वापसी उनकी मुश्किल है, 272 पहुंचना तो दूर, और जो तो ये कहीं ना कहीं ये संदेश, ये जो मुख्यधारा की मीडिया से नहीं है, ये समानांतर मीडिया पर जिस तरह की चर्चाएं चल रही है, जिस समानांतर मीडिया के जो पत्रकार, जिसमें हम अपने आप को भी शामिल कर सकते हैं, हम लोग जो चर्चाएं कर रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट मीडिया आप कह सकते हैं कि जो किसी तरह के व्यावसायिक, बहुत धूर व्यावसायीकरण के तहत नहीं चल रहा है, वो लोग एक स्वस्थ आकलन दे पा रहे हैं, वो उनको जमीन से ऐसी एक आहट सुनाई दे रही है कि लोगों में एक असंतोष है जिसकी वजह से, और लोग बदलाव चाहते हैं, इसकी वजह से हम ये परिवर्तन होते हुए अनुभव कर रहे हैं, और उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी के लिए मुकाबला करा है, और शायद इसीलिए वो हम उनको पीछे मान रहे हैं। तो रामदत्त जी, ये जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की पिच पर खेल रहे हैं, इसको आप कितना सही मानते हैं, और आप क्या मानते हैं कि मोदी पिछड़ गए हैं? नहीं, राहुल गांधी की पिच पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को इसलिए खेलना पड़ रहा है कि जिन मुद्दों पर वो भरोसा कर रहे थे वो मुद्दे चले नहीं जनता में, और दूसरे जो ग्राउंड से जिस तरह से चौतरफा अब रिस्पांस आ रहा है, देखिए पब्लिक मीटिंग्स सबसे बड़ा इंडिकेटर होती हैं, तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव यूपी में खास करके, या राहुल गांधी के अकेले भी, अखिलेश यादव या और सबकी मीटिंग्स में जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ भीड़ आ रही है, एक बात। दूसरी तरफ जिस तरह से अब मीडिया जो है, भले कितना दिखाते हैं नहीं दिखाते एडिटिंग में जो ऑर्गेनाइज मीडिया है, लेकिन जो उनके रिपोर्टर्स जा रहे हैं ग्राउंड पे और लोगों से जो बात कर रहे हैं, जो लाइव में आ जाती हैं चीजें, उससे पता चल रहा है कि भाई लोग कितना बदलाव चाहते हैं। अब जैसे सबसे ज्यादा मान लीजिए मोदी जी को विश्वास था, भरोसा था महिलाओं पे, लेकिन महिलाएं जिस तरह से, मैं देख रहा था एक वीडियो में, वो चूड़ी लेके आई थी कि नरेंद्र मोदी जी को चूड़ी भेंट करते हैं, सिलेंडर दिखा रहे हैं कि साहब हम इनको भरवा नहीं पा रहे, कोई महिला कह रही है कि भाई मैं अपने बच्चे के लिए चड्डी नहीं खरीद पा रहा हूँ, महंगाई इतनी पा रही हूँ, महंगाई इतनी बढ़ गई है। तो पहले क्या था कि पहले मिडिल क्लास चुप था, खामोश था, डरा हुआ था, और जो गरीब तबका है, वंचित तबका है, शोषित तबका है, पिछड़ा समाज है, अल्पसंख्यक है, उसकी आवाज कहीं प्रकट ही नहीं हो रही थी, तो हम लोगों को भी बड़ा मुश्किल हो रहा था, और जो फिर बीजेपी के दावे थे उनको उसके बेसिस पे लोग ये एक एम्सन कर रहे थे कि नहीं आएंगे तो मोदी ही, आएंगे तो मोदी ही। अब ये रिफ्रेन जो है, देखिए इधर काफी दिनों से बंद हो गया, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब उनको, मोदी जी को सफाई देनी पड़ी है, क्योंकि लगातार आक्रामक रुख है राहुल गांधी का। और एक और फर्क आया है, राहुल गांधी जैसे पहले, इससे पहले 14 के बाद रफाल मुद्दे से ले लीजिए, तो बराबर नरेंद्र मोदी पे अटैक करते थे, उनकी इमेज पर अटैक करते थे कि भाई वो ईमानदार नहीं है या कम्युनल टेंशन है और सब। अब राहुल गांधी का खेल थोड़ा बदल गया है, अब वो अपनी लकीर उन्होंने बड़ी लंबी कर दी है, चाहे उनका न्याय पत्र, घोषणा पत्र रहा हो, चाहे न्याय यात्रा के जरिए, भारत जोड़ो यात्रा के जरिए इतना लोगों से जनसंपर्क हो, तो राहुल गांधी की लकीर लंबी हो गई है, इसलिए मोदी जी पिछड़ते दिख रहे हैं। अब आज ही इलाहाबाद की सभा में मोदी जी ने एक तो संविधान वाली बात पे बड़ी सफाई दी, और उल्टे आरोप लगाया कि भाई वो तो इंदिरा जी ने उनकी तानाशाही थी और आपातकाल में वो संविधान बदलना चाहती थी आपातकाल लगा करके। ये भी उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे रहते जो आरक्षण है ओबीसी का, दलित का, इन सब का, किसी पे कोई चोट नहीं आने पाएगी। तो वो अब भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बीच बीच में आप ये भी देखिए कि वो पहले कोशिश उन्होंने की थी कुछ दिनों की, फिर से वो मुस्लिम हिंदू पोलराइजेशन हो, जो एंटी मुस्लिम पहले से उनका प्रोपोगंडा चल रहा था, लेकिन वो भी देखा कि रिएक्ट नहीं कर रहे हैं लोग मुस्लिम कम्युनिटी से, और दूसरे पब्लिक भी उब गई, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, ये बातें सुनने को मिलती हैं बाइट्स में। तो डेफिनेटली अब जो लक्षण लग रहे हैं उससे ये लग रहा है
कि भाई बीजेपी और मोदी जी बिल्कुल पिछड़ गए लगते हैं। उसकी वजह यह है कि 2019 में जिन राज्यों में उन्होंने मैक्सिमम, आप अगर एवरेस्ट चोटी पर चढ़ जाएंगे तो उसके बाद कहाँ जाएंगे, या तो आप नीचे आएंगे या स्वर्ग ऊपर जाएंगे या जमीन पे आएंगे, अपने घर वापस आएंगे। तो अब इसके ऊपर गुंजाइश नहीं, सब जगह नीचे ही नीचे जाना है। खास करके अब देखिए उत्तर प्रदेश में जब ये हवा चल गई मोदी जी के खिलाफ, तो फिर अब क्या बचा है? राजस्थान में, दिल्ली में, हरियाणा में, बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में पहले से ही चल रहा था, मध्य प्रदेश में भी कुछ कम हो रहा है। तो आज तो मेरी बात हो रही थी एक जर्नलिस्ट से वेस्टर्न यूपी के, वो तो कह रहे थे कि भाई इंडिया गठबंधन की आंधी चल रही है। मेरा पहले से भी मेरा मानना है कि ये 1977 का है मामला, क्योंकि जनता खुद उठ खड़ी हुई है और अब जनता को ये लगता है कि मोदी जी जितना कर सकते थे, जितनी उनकी क्षमता थी वो कर चुके, और अब वो आगे उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ समाज को वो तोड़ मरोड़ सकते हैं, कुछ अपने मतलब समाज में उस तरह का वैमनस्य पैदा करने का ही काम वो कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या वो एक ये बात भी बहुत ज्यादा घर कर गई है कि वो अपने कुछ जो बिजनेस हाउसेस को बहुत फायदा पहुंचा रहे हैं। तो इस लिहाज से मोदी जी का ये बारे में पहले जो इमेज था कि भाई, और ये जो हमने इलेक्टोरल बॉन्ड वाला देखा, तो पहले जो इमेज थी कि भाई ईमानदार हैं, बड़ा विजन है, डेवलपमेंट होगा, गुजरात मॉडल जैसे फ्लॉप हो गया सब, तो वो सब होप खत्म हो गई। राम मंदिर का मुद्दा चला नहीं, धारा 370 से चला नहीं, बल्कि अब आप देखिएगा आज तो कश्मीर से भी जो खबरें आ रही है कि बहुत बम्पर वोटिंग वहां हो रही है, जम के हो रही है। तो पिछड़ने के तो बहुत संकेत दिख रहे हैं, बहुत से सारे जो ग्राउंड से मैसेजेज आ रहे हैं उससे तो लग रहा है कि भाई पिछड़ रहे हैं। अब बाकी कोई चमत्कार हो जाए तो वो एक अलग बात है।